हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कवि परिचय के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आयोग के सिलेबस में भी हैं, 23 राइटर में से एक हैं और छायावाद के चार जो स्तंभ हैं उनमें से भी एक प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है और चार जो स्तंभ हैं यानी महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और प्रसाद जी, तो चार स्तंभों में से भी हैं और प्रवर्तक भी है, यानी शुरुआत भी इनके द्वारा ही छायावाद की गई है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। जयशंकर प्रसाद जी जो है उनका जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हुई 1937 में। ठीक है, कुल 48 वर्ष का इनका जीवन काल है। तो ज़्यादातर कभी कभी जो है ये ईयर भी पूछ लेते हैं, है ना, जन्म का वर्ष पूछ लेते हैं। तो 30 जनवरी 1889 इनका जन्म है वाराणसी में। अब बात करते हैं इनका जो है, इन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, ठीक है, ये सभी विधाएं जो हैं लिखी हैं। तो काव्य की बात करते हैं सबसे पहले। कामायनी इनका एक महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी को महाकाव्य का दर्जा है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा कानन कुसुम, उर्वशी, वभ्रुवाहन, महाराणा का महत्व, ठीक है, झरना, आंसू, लहर, वन मिलन, ये सभी क्या है, और प्रेम पथिक, ये सभी इनके कविता संग्रह यानी काव्य है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कामायनी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उपन्यास। तितली, कंकाल इनका उपन्यास है और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कहानी विधा में। कहानी में इन्होंने जो लिखा है, देवव्रत, विराम चिन्ह, ठीक है, चूड़ी वाली नीरा, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, पुरस्कार, सुनहरा सांप, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, ठीक है, ये सब इनके हैं कहानियाँ। और अंत में आ जाते हैं इनके नाटक, जो इनकी नाटक विधा है उसमें भी इनको महारत थी। और जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो ज़्यादातर इन्होंने ऐतिहासिक नाटक ज़्यादा लिखे हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, जन्मेजय का, नाग यज्ञ, और सबसे प्रसिद्ध जो है वो है ध्रुव स्वामिनी। इसके अलावा राज्यश्री, कामना, एक घूंट, ठीक है, करुणालय, सज्जन, प्रायश्चित, परिणय, अजातशत्रु, ये भी इनके नाटक हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर नाटक पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा ध्रुव स्वामिनी। महाकाव्य में पूछेंगे तो कामायनी, ठीक है, नाटक विधा में आ गया जन्मेजय का, नाग यज्ञ इम्पॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो आपको राइटर के जो है, किसी भी राइटर की आप रचना पढ़ रहे हो हिंदी में, ठीक है, तो उसके विधाएँ भी साथ में याद रखनी है कि यह कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, है ना, या कविता या काव्य श्रेणी में। तो जो गद्य के राइटर हैं वो ज़्यादातर कहानी, उपन्यास ही लिखते हैं, है ना, लेकिन कुछ राइटर हैं जैसे प्रसाद जी हैं तो इन्होंने क्या है, काव्य भी लिखा है ना, महाकाव्य, ये कामायनी जैसा महाकाव्य लिख दिया और उधर उन्होंने नाटक में ध्रुव स्वामिनी जैसा भी लिखा है। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसी तरह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपने शॉर्ट वीडियोज जो बनाएंगे उसमें एक एक राइटर के बारे में आप उसमें पढ़ोगे और उसको आप नोट भी कर सकते हो या सun सकते हो। ठीक है, तो आज हमने बात की है छायावाद के जो प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी, और नेक्स्ट में हम इनके जो छायावाद के अन्य कवि हैं, ठीक है, निराला जी के बारे में वीडियो लेके आएंगे, सुमित्रा नंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा। ठीक है, धन्यवाद।